नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 25 जनवरी। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते में हमने काफी वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखी है। स्लो एंड स्टेडीली हम जनवरी मंथ में सोने चांदी में और बाकी कमोडिटी में भी वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। एमसीएक्स बुलटेक्स में शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने पिछले हफ्ते 15,340 के करीब मार्केट को क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ओपन इंटरेस्ट में ड्रॉप है जो कहीं ना कहीं संकेत देता है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग चालू है। वहीं बेस मेटल की अगर बात करें तो बेस मेटल के अंदर भी हमने एक फ्लैटिश टोन होते हुए देखा, बट अंडरलाइन काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। फ्रेश बाइंग हमने देखा, वॉल्यूम में भी काफी अच्छा जंप आते हुए दिखा है। वहीं गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग के चलते गोल्ड करीबन 1% और चांदी में 2.3% की तेजी हमने बनते हुए देखी शॉर्ट कवरिंग के चलते। ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ओवरऑल काउंटर में बुलिशनेस कंटिन्यू बनी हुई है और वॉलेटिलिटी कंटिन्यू बना हुआ है। वहीं एनर्जी पैक के अंदर बात करें तो क्रूड और नेचुरल गैस दोनों ही काउंटर के अंदर नेचुरल गैस में करीबन 10% की गिरावट आते हुए देखी है हमें। मीनवाइल अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड फ्लैटिश टोन के साथ एक सीमित दायरे में ट्रेड कर पा रहा है। पूरे बेस मेटल की अगर बात करें तो कॉपर में 0.5%, जिंक में 0.5%, निकल में 0.25%, एल्यूमिनियम में भी 0.22% की तेजी और लेड में हमने 1.5% की गिरावट आते हुए दिखी है। फंडामेंटल साइड अगर हम बात करें तो सबसे पहले एमसीएक्स बुलटेक्स में हमने शुक्रवार के सेशन में थोड़ा पुलबैक जरूर देखा, बट एक चीज समझिए, चलिए डॉलर इंडेक्स में कोई बड़ी तेजी नहीं हो पा रही है। साथ में जो स्टिमुलस यूएस में आ रहा है वो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर और एमसीएक्स बुलटेक्स को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। साथ में हमने थोड़ा बहुत पुलबैक इसलिए भी देखा क्योंकि यूएस के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो 14 साल के हाई पे पहुंच चुका है और ये लग भी रहा से वैक्सीन के बाद इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, थिंग्स वुड बी सपोर्टिव। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जंप है जरूर है। फिजिकल डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, खास करके चाइना सिंगापुर जहां पे प्रीमियम बढ़ना चालू हो चुके हैं, जो कहना कहीं संकेत है कि फेस्टिव मूड में चाइना और सिंगापुर ये सब आ चुके हैं जहां पे फिजिकल डिमांड इंप्रूव है और प्राइसेस में भी जो गिरावट है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आज के सेशन की अगर बात करें तो आज के सेशन में सोने और चांदी फ्लैटिश टोन के साथ ओपन होंगे, बट टेक्निकली 49,100 के ऊपर होल्ड होना काफी बड़ा इंडिकेटर है, पॉजिटिवनेस है गोल्ड के लिए। तो एज लॉन्ग एज 48,850 के ऊपर गोल्ड मेंटेन है और 49,100 के ऊपर बाइंग करके चल सकते हैं, जो 49,350 से 49,550 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी में 1% की गिरावट जरूर थी बट लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। 66,500 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, 66,000 का स्टॉप लॉस और 67,200 का टारगेट रहेगा। वहीं क्रूड की अगर हम बात करें तो क्रूड में 39,40 के ऊपर ही बड़ी तेजी रहेगी, नहीं तो प्राइजेस 3,800 से लेकर 39,40 के बीच में ट्रेड करेंगे। नेचुरल गैस आज इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए तेज ओपन होने की उम्मीद है, जो 182 का लेवल तोड़ने पे 186 से 188 तक का भी लेवल एक बार दिखा सकता है। पूरे बेस मेटल पैक में आज लोअर लेवल से बाइंग कंटिन्यू रहेगी, बेस के काम मत कीजिए। चाइना में हॉलीडे होने वाला है जिसकी वजह से हायर साइड कैप जरूर है, बट फंडामेंटल अगर हम देखें तो इन्वेंट्री में ड्रॉप होने की वजह से पूरे ही बेस मेटल में सपोर्ट है। आज एलएमई में भी थिंग्स आर बीइंग पॉजिटिव। इंटरनेशनल में गोल्ड 1850 से लेकर 1865 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चांदी 25 से 26 डॉलर के बीच WTI ब्रेंट दोनों में थोड़ा बहुत पुलबैक जरूर दिखा रहा है, बट नेचुरल गैस में 3.5% की तेजी है जो पूरी पूरी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाएगी। डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज यूएस से कोई मेजर डेटा नहीं है, यूरोप से कुछ बिजनेस क्लाइमेट्स के डेटा और स्पीच रहेगी। चार्टिकली अगर हम बात करें एमसीएक्स बुलटेक्स एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो डाउनसाइड 15,100 अपसाइड में 16,600 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाले की उम्मीद है, अगर प्राइजेस 166 के नीचे चले जाता है तो बड़ा फॉल के लिए तैयार है, अदरवाइज प्राइजेस 190 के लिए एक जंप दिखा सकता है जिससे आज इंटरनेशनल मार्केट में तेज है। वहीं जिंक की अगर बात करें चार्टिकली काफी स्ट्रांग है, अगर प्राइजेस 212 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड होता है तो 220 के लिए हम लेकर काम कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके चलिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।